तो सीआईडी के सेशन टू में दया सर को लगने वाली है गोली, और ये जो गोली है ये एक लड़की ने चलाया है, वो भी एक स्नाइपर से। जी हाँ दोस्तों, दया को काफ़ी दूर से गोली मारी गई है और इससे दया सर के हाथ में गोली लगी है और दया सर के हाथ से काफ़ी खून भी बह रहा है। सुनने में आ रहा है कि ये गोली चलाने वाली एक लड़की है जो कि एक शार्प शूटर है, और दया सर को मारने के लिए इस लड़की को आई गैंग ने हायर किया है। लेकिन ये लड़की आखिर है कौन और इतना पक्का निशाना, वो भी इतने दूर से, तो क्या सीआईडी के दया इस लड़की को कभी पकड़ पाएंगे? और अगर दया को तुरंत अस्पताल नहीं ले जा गए तो दया सर की ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, सीआईडी के सीजन टू के एक रोमांचक एपिसोड में दया सर को गोली लगने वाली है और गोली चलाने वाली लड़की को पकड़ने के लिए सीआईडी के एसीपी और अभिजीत और दया को एड़ी चोटी की जोर लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लड़की है ये काफ़ी शातिर है और ये लोगों को पैसों के लिए मारती है। लेकिन दया सर की सुपारी आई गैंग ने आखिर इस लड़की को क्यों दी? पता चलेगा हमें सीजन 2 में।